दिन भर की खबरों के साथ आइए देखते हैं एक नजर खास खबर उल्लेख न्यूज के साथ। बागेश्वर जिलाधिकारी विनीत कुमार की अध्यक्षता में उद्योग मित्र समिति की बैठक ली गई। बैठक में उद्योग मित्रों के साथ सुझाव और जिले को उद्योग का हब बनाने के लिए विचार विमर्श किया गया। साथ ही पर्यटन उद्योग मित्रों के साथ समन्वय स्थापित कर स्थानीय स्तर पर बनाए जाने वाले उत्पादों को राष्ट्रीय स्तर पर बाजार उपलब्ध कराने, पलायन रोकने के लिए क्षेत्रीय स्तर पर उद्योग मित्रों को सहयोग प्रदान कर देश के प्रमुख बाजारों में कृषि उद्यान उद्योग विभाग से परस्पर सहयोग की कामना की गई। जनपद कोसानी में पर्यटकों को पहाड़ की पहचान माने जाने वाले विभिन्न उत्पादों को देश विदेश में पहचान स्थापित करने के लिए स्थानीय उत्पादों की बिक्री का स्टॉल लगाए जाने की मांग की गई, जिस पर जिलाधिकारी ने सहमति प्रदान करते हुए सभी विभागों को अपने स्तर से स्थानीय उत्पादों को वरीयता देते हुए उत्पादों के लिए बाजार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। द्वारा जो सुझाव दिए गए हैं उसमें ये था कि हम किस तरीके से बागेश्वर का सर्वांगीण विकास कर सकें। हमने चाहा है कि हमारे ट्रैक रोड से हम डेवलप हो, टूरिस्ट यहाँ पर अधिक से अधिक संख्या में आए, जो फैसिलिटीज लोगों को देनी चाहिए वो मिले। हम किस तरह से बागेश्वर में ही दो लेक्स बनाए जाएँ और उनमें प्रयास किए जाएँ, बागनाथ मंदिर जो बैजनाथ मंदिर में जो हमने एम्फी थिएटर बनाया उस पर किस तरह से कल्चरल प्रोग्राम कराए जाएँ, यहाँ पर गाइड्स की जो कमी है गाइड्स कैसे बनाए जाएँ, इन सब चीज़ों को लेकर हमने आज दिया महोदय को अपने सुझाव दिए विज्ञापन दिया। यहाँ बागनाथ उद्योग कॉमर्स का उसका भी चैम्बर से का तो उसका भी, लेकिन हमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा यहाँ कैसे रोजगार बने और कैसे हमें रोजगार मिले, कैसे उद्योग नीति बने, क्योंकि सरकार की अब नई उद्योग नीति बनने जा रही है। तो सरकार से अब उस उद्योग जो आज तक की उद्योग नीति बनी उसमें बहुत सारा उद्योग नहीं लग पाई। अब हम सरकार से एक निवेदन करते हैं, इस चैम्बर के माध्यम से हम कह देंगे सरकार को जो जो हम एक नई जो पॉलिसी बन रही है उद्योग पॉलिसी, उस पॉलिसी में कैसे नियम कानून हो और कैसे यहाँ का उद्योग कैसे यहाँ का जो है उद्योग लग सके, किस प्रकार। देखिए आज हमारे उद्योग मित्र की बैठक थी जिसमें समस्त हमारे जो यहाँ पे एक तो बागनाथ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स जो है वो और साथ साथ में हमारे सभी जो जिला स्तरीय अधिकारी हैं और जो हमारे प्रतिष्ठित जो भी हमारे उद्योग बिजनेसमैन वगैरह है वो सब यहाँ पे आज उपस्थित हुए थे और उनसे रिलेटेड जो भी इश्यूज थे आज उन पर हमने काफ़ी डिटेल में उस पर चर्चा करी, जिसमें काफ़ी सारे हमारे पास जो है सुझाव भी जो है दिए गए हैं। तो वो सुझाव भी जो है हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं उसके ऊपर एक रणनीति बना के उस पर कार्य करेंगे। साथ साथ में काफ़ी सारे जो है पॉलिसी इश्यूज़ को भी लेकर जो है यहाँ पे सुझाव दिए गए हैं, तो वो सभी जो पॉलिसी इश्यूज़ जो यहाँ पे आज उठाया गया है वो सभी को जो है हम लोग एक पत्रालेख के माध्यम से संबंधित जो इसके सक्षम अधिकारी हैं निर्णय लेने के लिए उनको हम लोग प्रेषित करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे जो हमारे उद्योग से रिलेटेड जो हमारी स्कीम्स होती है, एमएसएमई स्कीम है या फिर हमारे मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है या हमारी पीएमईजीपी है, इसके प्रोग्रेस के संबंध में भी इस पर आज यहाँ पर हमारी चर्चा हुई है। तो हमारी कोशिश यही है कि किस प्रकार से जो है उद्योग को बागेश्वर जनपद में बढ़ाया जा सके, क्योंकि उद्योग के माध्यम से यहाँ पे लोगों को रोजगार और स्वरोजगार दोनों ही मतलब जो है वो प्राप्त हो सकता है और बागेश्वर की जो इकोनॉमी है वो ऊपर जा सकती है।